वाह, ये तुम्हारा बर्लिन प्लेस है जो मैंने तुम्हें अगले चूज़ करा है। तुम यहाँ से मोस्ट ब्यूटीफुल स्कीनरी देख सकती हो ऑफ एम्पायर की। होप करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद होगा। डैड डैड, एंजी को आज बहुत हैप्पी फील हो रहा है। ये मेरी विश थी कि डैड के साथ बाहर घूमूं। आज मेरी विश सच हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। डैड, मेरे पास दूसरी विश है, बट मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाऊँगी, लालची हो जाऊँगी कि रियलाइज करूँ दो विशेज सेम टाइम पे। वो क्या है? वेल, मैं होप करती हूँ कि डैड मुझे दोबारा से हक दे सके, बस थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी सी देर। मुझे माफ़ कर दो डैड, मुझे ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ओके हाँ, अगर ये तुम्हारी लास्ट विश है तो कितनी हल्की है, इतनी हल्की है और इतनी पतली थिन है, बट इसे इतनी हैवी फेट को सहना है। योर मेजेस्टी, ऑफ एम्पायर और प्रिंसेस एंजी के बीच आप कौन सी साइड चूज़ करोगे? कौन सी साइड मैं चूज़ करूँगा? अगर मैंने एंजी को चूज़ करा, जो गॉडेस टू है ना, वो नहीं आएंगी और पूरी एम्पायर वो डार्कनेस के अंदर गिर जाएगी और जो लोग हैं ना, वो उनके पास रहने की जगह नहीं रहेगी। अगर मैं एम्पायर को चूज़ करता हूँ, एंजी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थॉट, मेरे पास दिल नहीं है करने का, मैं किंग हूँ ऑफ एम्पायर का और मुझे एक डिसीज़न लेना होगा। मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा दोबारा स्टार्ट करने के लिए, डेफिनेटली नहीं। ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं होने दे सकता। गायब, अभी क्या हुआ था? पावर गोडेस जो है कि पावर अचानक से कैसे ब्रेकआउट हो गई? डैड, जो पावर है गोडेस की वो रिलीज हो चुकी है, और जो पावर हमने ली थी ना, वो पहले ली थी, वो काफ़ी थी, बट क्या गलत हो गया? मुझे डिजी फील हो रहा है। फादर, एंजी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एंटोनियो, तुम भी यहाँ हो? योर मिनिस्ट्री, मेरी गलती है क्या आपको? नो, मैंने तुम्हें पूरे दिन भर नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंटोनियो, तुम्हें किसने अलाउ करा पैलेस से बाहर आने के लिए? फादर, आज ना जब मैं मैजिक सीखने गया था, तो देखा कि वहाँ पे सिर्फ मैं और बायशी हैं। बायशी ने मुझे बताया कि एंजी पैलेस से बाहर गई। मुझे डर लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करेगी बाहर खेलना, और पैलेस में आना ही नहीं चाहेगी, तो मैं पैलेस से बाहर गया, उसे ढूंढने लगा बिना आपकी परमिशन के। मुझे नहीं पता था कि आप उसके साथ हैं। मुझे माफ़ कर दो फादर, इनफैक्ट ये चिंता कर रहा था कि जो लिटिल प्रिंसेस है डेंजर में होंगे, इसीलिए वो इतनी जल्दी आए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वाल, लिटिल प्रिंसेस की जो प्रिंस की जो एक्टिंग है ना, वो ऐसा लगता है कि वो उसके बारे में केयर नहीं करता। डैड, क्या हम एंटोनियो को एक साथ खेलने लेकर जा सकते हैं हमारे साथ? ये इम्पॉसिबल नहीं है। वेल, अब तुम उसके साथ खेलना चाहती हो तो कर लो। ग्रेट एंटोनियो, मैं तुम्हें कैसल राइड पे लेकर चलूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। योर मिनिस्ट्री, आप जो गैदर पावर, जो हमने पावर इकट्ठा कर रखी थी ना, वो रिलीज हो चुकी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या गलत चला गया? जो पावर की गोडेस थी ना, वो सक्सेसफुल हमने इकट्ठा कर ली थी, तो ये कैसे रिलीज़ हो सकती है? मुझे नहीं पता, शायद इसकी वजह से जो लास्ट टाइम था ना पावर, जो गोडेस की ब्रेकआउट हुई थी उसके वजह से। देन हम क्या करें योर मिनिस्ट्री? जानने के बाद कि जो इकट्ठा करी हुई पावर थी ना गोडेस की, वो पूरी नहीं है, मैं थोड़ा रिलीव्ड हूँ। आफ्टर ऑल, जो प्रिंसेस है ना, कुछ ज़्यादा ही आएंगे। अगर ये ऑफ एम्पायर के लिए नहीं होता, मेरे पास भी दिल नहीं है उसे मारने का। किंग के पास तो होगा ही नहीं। जो पावर है ना गोडेस की, उन्हें दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो फिनिश हो, हमें एनजी की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना होगा। बैशी ने मुझे बताया था यहाँ पर डार्क एलिमेंट है एनजी के पास, बट हमें नहीं पता कि वो कैसे उसके पास आया, वो पैलेस में कैसा वो मॉन्स्टर है। मुझे डर है कि वो उसे हार्म, वो डार्क क्रीचर है ना, डार्कनेस से उसे चोट पहुँचाई जाएगी। नैनफेन, मैं चाहता हूँ कि तुम एनजी के साइड रहो सिक्रेटरी, और पता लगाओ उस डार्क एलिमेंट का सोर्स, और प्रोटेक्ट करो एनजी की सेफ्टी भी। और तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा उसे चोट लगने से पहले, इससे पहले कि गोडेस की पावर पूरी तरह से इकट्ठा हो जाए। यस, मुझे हमेशा से फील हो रहा था कि फादर ना मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या मुझे फादर से डायरेक्टली पूछना होगा पैलेस से रिटर्न होने के बाद, और या फिर लूरिस से बोलूं कि वो इन्वेस्टिगेट करें? ओह नो,
ये सच में एक स्टूपिड है पिक की तरह, ये कैसे सो सकती है जब ये सिर्फ कॉर्सोल राइड कर रही थी। चलो वापस चलते हैं। क्या कल्यूशन है? फादर जिसने एनजी को 3 सालों में एक बार भी नहीं देखा, वो उसकी तरफ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल था, एक्चुअली उसे अपने आर्म्स में कैरी कर रहे हैं। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? आ रहा हूँ फादर। उस दिन से एनजी और एंटोनियो मैजिक सीखना उन्होंने कंटिन्यू करा, और ज़ेनफे एनजी के साइड रहा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एनजी, एंटोनियो और किंग वो डिनर करते एक साथ, और जब किंग है ना एनजी के रेस्टिंग प्लेस में और जाने लगे, और 2 महीनों के बाद एनजी का 4 ईयर्स बर्थडे बहुत जल्द ही आने वाला था। मतलब आग छपकते ही जो प्रिंसेस है ना ऐसे बड़ी हो रही है। मुझे याद है करेक्टली जो प्रिंसेस का बर्थडे है ना वो जल्दी आ रहा है, राइट? एनजी का बर्थडे आ रहा है, जानते नहीं है कि यहाँ पे एक बिग पार्टी होगी इस साल। योर हाइनेस, क्या आप गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं प्रिंसेस को देने के लिए? ऐसी बकवास मत करो, मैं उसे गिफ्ट नहीं देने वाला, वो डिज़र्व नहीं करती कि वो मुझसे एक बर्थडे गिफ्ट ले। और किंग की स्टडी में एनजी का बर्थडे आ रहा है। यस, जो प्रिंसेस है ना अब 4 साल के हैं, योर मैजेस्टी, क्या हमें एक बिग पार्टी रखनी होगी? यस, बट ये कभी नहीं हुआ अगर लोगों को पता चल गया। क्या ये एनजी है ना सिर्फ एक गोडेस डॉय के कंटेनर ही नहीं बल्कि मेरी बेटी भी है। जो लोग हैं इस कंट्री के उसकी डेथ के लिए इतना उतावले हैं कि गोडेस डॉय आ जाए, बट उससे पहले वो अभी भी एक नोबल बच्ची पैदा हुई है, अभी भी एक प्रिंसेस ऑफ एम्पायर की। बहुत हो गया, तुम जा सकते हो, रेडी कर लो, हम एक ग्रैंड पार्टी करेंगे। यस, बर्थडे गिफ्ट में उसे क्या दूँ? ओह, क्या हैंडसम लग रहा है। हाँ, एनजी को मैं कौन सा बर्थडे गिफ्ट करूँ जो उसे अच्छा लगेगा? मेरा मतलब मुझे रॉयल प्रिंस पे अच्छा लगेगा। यो हैनस, क्या आप थोड़ा माइंड करेंगे दूसरी लड़कियों से पूछने का? इन्हें शायद पता हो कि प्रिंसेस को क्या चाहिए। मैं उसे गिफ्ट नहीं देने वाला, बट अब तुमने एडवाइस दी है तो मैं ज़्यादा किसी से पूछ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे उसे बर्थडे गिफ्ट दे देना चाहिए। यह सब सही है योर हाइनेस, एक बर्थडे गिफ्ट। ओह, एक ब्यूटीफुल प्रिशियस स्टोन नेकलेस होना चाहिए, तो कोई भी औरत उसे रिफ्यूज़ नहीं करेगी इतने प्रिशियस स्टोन्स को। एक बर्थडे गिफ्ट, एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट होना चाहिए। ओह, बर्थडे गिफ्ट, मुझे कैंडीज चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे उनसे पूछना ही नहीं चाहिए था जैसा तुमने एडवाइस करी थी, मैं सिर्फ डायरेक्टली एनजी से ही पूछ सकता हूँ। यस, ये सारी मेरी गलती है। एनजी, एंटोनियो, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम कुछ चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था कि सब कुछ ठीक है। यस, तुम देख सकते हो, ये इस समय जो मैं आई हूँ ना, वेल, मुझे अचानक से क्यों डिजी फील हो रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता था तुम्हें क्या गिफ्ट पसंद है। गिफ्ट? गिफ्ट? यहाँ पे इतने सारे एंटोनियो हैं क्या? एंटोनियो, मुझे अचानक से बहुत नींद आ रही है। एनजी, नो, क्या हुआ? कुछ भी गलत नहीं है प्रिंसेस एनजी, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस सो गई है, बट उनकी जो सांसें हैं ना वो बहुत ही कमज़ोर होते जा रही हैं, और उनकी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है। मेरा हीलिंग मैजिक है ना उनकी मदद नहीं कर पाना, ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने रीज़न नहीं ढूंढा? क्या प्रॉब्लम तो नहीं गोडेस डॉयर से लेकर? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पता नहीं लगा पा रही क्यों। अगर आप प्रिंसेस एनजी को रिकवर करना चाहते हैं तो तुम्हें महाराज से बोलना होगा कि वो आके देखे, अदरवाइज मुझे डर है। बट जो किंग है ना वो पैलेस में भी नहीं है, वो ड्रैगन प्लेस में है या कंट्री में। ऑफी, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे, मैं मर जाऊँ इससे अच्छा कि मैं एक बच्चे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ। ओह, फिर मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपना मुँह संभाल के। प्रिंसेस एनजी बहुत बीमार है, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाइए। देखा ऑफी, ये तुम्हारी रिट्यूब्रेशन है। आओ, बैंग। ऑफी, तुम है कोपरेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर अटैक करना जब मैं प्रिपेयर नहीं था? तुमने मेरी बेटी पे श्राप दिया, मैं इतना दयावान हूँ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस शेप में रहना और मेरी बेटी के साथ रहने का अपनी पूरी ज़िंदगी। हाँ ऑफी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मिस्टर बाइट, प्रिंसेस एनजी कैसी है? महाराज कब वापस आने वाले हैं? बाशी, यहीं रुको और बाकी सारे तुम जा सकते हो। यस योर मैजेस्टी। यो है ना, सब कहाँ जा रहे हो?
मैं इंजी के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ। जब वो जाग जाएगी और देखेगी कि मैंने उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करा है तो वो बहुत खुश होएगी और जल्दी रिकवर करेगी। बट योर हॉनर, मुझे लगता है जो प्रिंसेस है ना वो चाहेगी कि आप उसकी साइड रहें जब वो जागे। बातें करना बंद करो, चलो चलते हैं और गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं। वो सारी चीज़ें खरीद रहे जो एक लड़की को पसंद है। यू हैनेस, शायद आपको एक यूनिक गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए प्रिंसेस के लिए, कुछ मेमोरेबल। एनजी के रूम में इसकी कंडीशन है फाइनली स्टेबलाइज हुए, बट इस समय जो हुआ वो पहले से डिफरेंट है। मुझे डर है इसके जो कोमा का कारण है वो शायद पावर, गॉडेस की पावर का कुछ ज़्यादा यूज़ होना। प्रिंसेस एनजी वीक है, वो इतना जो गॉडेस की इतनी शॉर्ट टाइम में पावर लूज़ हुई है वो ये सब नहीं सह पाई और इसलिए वो बेहोश हो गई। बट बिना किसी रीज़न के ये गॉडेस की पावर ऐसे क्यों यूज़ करी गई होगी? उस समय था, वो कब जागेगी मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता, बाश एक ग्रेट मैजिशियन होने के नाते तुम इतने यूज़लेस कैसे हो सकते हो? ओहो मेरे डियर किंग, मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हूँ, भगवान तो नहीं। जो पावर है ना गॉडेस की वो मेरे काबू से बाहर है। बट वो क्रेजी पॉप यू है ना, शायद उसके पास सल्यूशन हो। मैं एब्सोल्युटली यूली को ये नहीं पता लगने दे सकता। देन अपने आप ही सॉल्व करो। जो प्रिंसेस है ना, क्योंकि वो प्रिंसेस की लाइफ है वो जाती रहेगी जैसे ही वो कोमा में रहेगी। इसकी जो डेबिलिटी है ना वो रुक जाएगी, क्योंकि आप इसकी जो डेबिलिटी है वो सिर्फ जब ही रुकी जा सकती है जब तुम उसे मैजिक देते रहो। तुम जा सकती हो। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, कुछ बुक रीड्स करता हूँ, शायद मैं रीज़न ढूंढ पाऊँ कि प्रिंसेस क्यों कोमा में है। प्लीज़ जल्दी जाग जाओ। और इन फॉलोइंग डेज में बिजी वक्त के बाद जो डे टाइम में होता जो तो होता था, जो किंग है ना वो प्रिंसेस के रूम में जाता था हर रात और उसे उसका मैजिक देता था ताकि उसे ज़िंदा रख सके। और जबकि एंटोनियो है ना प्रिंसेस के रेस्टिंग प्लेस जाता था हर दिन और फिर उसके उन पर ध्यान देखने के बाद वो गार्डन में जाता था और बैठ जाता था एक लकड़ी के फट्टे को नाइफ से क्रैव करने के लिए। 15 दिन बाद ये एनजी के रूम जाने का समय है। ओ नो योर मैजेस्टी, मैं ठीक हूँ। एनजी के रूम में, अच्छा योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि आप प्रिंसेस के बारे में चिंता कर रहे हैं, बट आपने कुछ ज़्यादा ही हैग अमाउंट ऑफ मैजिक आप यूज़ कर रहे हैं हर दिन। आपकी इरिप्रेसिबल प्रेजेंस है ओफी एम्पायर में, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट एक दिन का रेस्ट करें। जैन नैन फे, एनजी मेरी बेटी है। बट नो मैटर कि ओफी एम्पायर के लिए है या फिर प्रिंसेस एनजी के लिए, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम जा सकते हो। यस मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा तुम्हारा जगने का। क्रैक शुम योर मिनिस्ट्री, ओफी एम्पायर के लिए आपको प्रिंसेस एनजी को मारना होगा। प्रिंसेस एनजी को मार दो और जो गॉडेस जो है ना वो आ जाएंगी गॉडेस के लिए। हाँ ये जगह कौन सी है? डैड योर मिनिस्ट्री प्लीज़ करो, प्रिंसेस एनजी को मार दो, जो गॉडेस की पावर है ना वो अभी पूरी तरह से इकट्ठा नहीं करेगी, ये समय नहीं है। तुम्हें मार देंगे तभी गॉडेस डुआ आएंगी। तुम ठीक हो, डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा ही। यस तुम्हें रिमूविंग स्पेल ऐसे बोलना चाहिए। वाओ एंटोनियो भागो, रे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने ये सारे स्कैन एक्सपीरियंस करे हैं। बट मैं मैजिक फॉरेस्ट नहीं गई एंटोनियो के साथ और आफ्टरनून टी नहीं करी डैड के साथ। मुझे अचानक से सैड की फील हो रहा है। मुझे खुश होना चाहिए जब मैं एंटोनियो के साथ खेल सकती हूँ और डैड के साथ आफ्टरनून टी कर सकती हूँ। हाँ शूम अपना ऑफ, ये तुम इतने हार्टफुल मैन हो, बट तुम हमारे पास इतने क्यूट डॉटर क्यों हैं? वेल क्या इसकी वजह से तुम्हारी फेमर बहुत प्रेटी थी? क्या मैं इसे अपनी ब्राइड के लिए ले सकता हूँ जब ये बड़ी हो जाएगी? नो वे, क्या तुमने मुझे वापस लेकर नहीं आई ताकि मैं इसे कंपनी दे सकूँ? और तुमने कहा था कि तुम चाहते हो मैं इसके साथ लाइफ टाइम रहूँ। सिर्फ कपल ही एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम तक रहेंगे, इसका मतलब ही मेरी सपोज है। ओ माई गॉड ऑफ, तुम मेरे फादर इन लॉ हो गए। क्या तुम मरना चाहते हो ड्रैगन? शट अप, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था।
इतने भी मीन मत बनो। ओह वहाँ क्या चल रहा है? योर मेस्टी जो गॉडेस की पावर है ना वो पूरी तरह से हो चुकी है। ओफी एम्पायर के लिए आपको अभी करना होगा। जब प्रिंसेस एंजी मर जाएंगी गॉडेस जो है तभी ओफी में आएंगी। फादर क्या आप ये करने वाले हैं? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, क्या आपके पास सच में दिल है मुझे मारने का? क्या आपने कभी मेरे बारे में केयर करी है? अगर मैं मर जाऊँगी क्या आप सैड होंगे? क्या आपको दुख नहीं होगा? जो गॉडेस जो है सच में इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी खुद की बेटी से इम्पोर्टेंट? योर मेस्टी जो पावर इकट्ठा करने थे ना गॉडेस के, वो फिनिश्ड हो चुके हैं, आपको ये कर देना चाहिए। फादर क्या आपके पास सच में दिल है? जो ओफी एम्पायर है ना वो प्रिंसेस एंजी को खो सकती है बट गॉडेस जोया को कभी नहीं खो सकती। हाँ प्रिंसेस एंजी को खो सकती हैं कि एक सपना है और या फिर मेरा फ्यूचर। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा फ्यूचर हो मेरे, ये तुम्हारा जो सपना है तुम्हारा फ्यूचर है माय लिटिल प्रिंसेस बनी। मैंने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा, तुम कहाँ थे? तुम मुझे जल्दी देखोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मारे जाओगी, किंग तुम्हें खुद मारेगा जैसे तुम्हारे सपने में करा है? तुम्हारा क्या मतलब है? किंग तुम्हें मार देगा तुम्हारे सपनों की तरह ही? इम्पॉसिबल, वो सिर्फ एक सपना था और डैड मुझे नहीं मारेंगे जैसे उन्होंने सपने में करा। अगर ये पॉसिबल है लिटिल प्रिंसेस, क्या तुम्हें याद नहीं है जो किंग ने तुम्हारे साथ पहले क्या करा है? जब किंग की इंटेंट ही ना वो तुम्हें पुश करना था उन सीढ़ियों से और तुम्हें मार देना। अगर मैं वहाँ अपना बेस्ट ट्राई नहीं करता कि तुम्हारे गॉडेस की पावर यूज़ कर सको तुम्हारी बॉडी से, तो तुम्हें मार दिया जा चुका होता, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी खो दी और तुम्हारे सामने भी नहीं आ सकता। अगर ऐसा है, क्या तुम अभी भी श्योर हो कि किंग एक अच्छा आदमी है? मैं ही हूँ जो तुम्हारे बारे में केयर करता है इस पूरी दुनिया में, दूसरे लोग काबिल नहीं है तुम्हारे ट्रस्ट के। इतने लंबे समय से जब से तुम्हारे पास गॉडेस की पावर है तुम्हें मार दिया जाएगा, चाहे किंग तुम्हें मार देगा चाहे अभी या बाद में। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ है, जो पावर है ना गॉडेस की तुम्हारे बॉडी में अभी वीक है। जब तक तुम मेरे साथ हाथ मिला लोगी तो तुम सर्वाइव कर पाओगे अपनी किस्मत से। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम मरोगे नहीं, और मैं उन सारे लोगों को मार दूंगा जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लास्ट थिंग है ना मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी डेथ है, जो मेरे साथ हाथ मिलाओ लिटिल प्रिंसेस। ये क्या हो रहा है इसकी सांसों के साथ? ये सब अभी ठीक थी बट अचानक से इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? हे योफी, इतने कितने दिन हो गए कि तुम उसके ऐसे मैजिक ट्रांसफ़र कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी अब वीक है, क्या अपने आप को मत मारो। मैं अपने एक राइवल लूज़ कर दूंगा अगर तुम मर जाओगे। मुँह बंद करो, जैसे तुम्हारी इच्छा। वेल तो तुम्हारी लवली बेटी के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ फादर, जो किंग है ना तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर सकती हो। हाथ मिला लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगी, मैं तुम्हारी किस्मत से फाइट करूँगी। नो, ऐसा लगता है तुम्हें सिचुएशन नहीं पता। ओके मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा एंड कैसा होगा लास्ट टाइम की तरह। मैं एंजी किंग की बेटी, बट जो किंग और लोग हैं इस कंट्री में मुझे मारना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? यो है ना जो मशरूम सूप है ना वो यहाँ है। ये जो मेड सर्वेंट है ना इसने मशरूम सूप में पॉइजन डाला है। आज का जो मशरूम सूप है ना वो बहुत टेस्ट है। यो है ना प्लीज़ एक बार ट्राई करें। तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, सॉरी मैं आज सूप पीना नहीं चाहती, ये टाइम है वॉक का। मैं जानती थी, गो टू हेल, हेल्प, मेरी मदद करो। जब तक हम तुम्हें मार देंगे जो गॉडेस जो है ना वो आ जाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, तुम अब सेफ हो। नाइट कमांडर से कहो कि यहाँ पे इंट्रोगेट करो उन लोगों को हार्शली, और जो प्रिंसेस की सेफ्टी को ना उन्हें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। डैड क्या आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे? हाँ डैड, अगर ऐसा है तो मैं इसका प्यार लूँगी सर्वाइव करने के लिए। डैड क्या आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे? यस, अगर ऐसा है तो मैं आपका प्यार लूँगी सर्वाइव करने के लिए। डैड क्या आपके लिए
डैड क्या आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है? गुड आफ्टरनून डैड। फाइनली मुझे इसका प्यार और प्रोटेक्शन मिल गई। डैड मैंने कुछ डेजर्ट बनाया, हम इन्हें आफ्टरनून टी के साथ एक साथ खा सकते हैं? हाँ यहाँ आओ। यस तुम्हें मेड सर्वेंट से बोलना चाहिए किचन में डिज़र्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट टाइम तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए डिज़र्ट बनाना चाहती थी। डैड ही कौन है? एंटोनियो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो फॉरेस्ट में ना इन सारी सालें मैजिक ट्रेन कर रहा था, तो तुमने उन्हें पैलेस में नहीं देखा। वाह एंटोनियो तुम कितने ग्रेट हो। डैड क्या आप मुझे स्टोरी बता सकते हो एंटोनियो के ट्रेन के बारे में? मैं भी सुनना चाहती हूँ। क्या मैं नो फादर, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं वापस जाके रेस्ट करना चाहता हूँ। एंटोनियो क्या तुम ठीक हो? डैड मैं एंटोनियो को वापस उसके रेस्टिंग प्लेस में भेजना चाहती हूँ। क्या मैं एंटोनियो सिर्फ एंजी को तुम्हारे साथ जाने दो। यस फादर। डैड सी यू टुमारो। एंटोनियो क्या हुआ? थॉट ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक दूसरे से मिले हैं। मैं अपना हार्ट ट्राई करूँगी ताकि एक अच्छी बहन बन सकूँ। मुझे बहन नहीं चाहिए। क्यों एंटोनियो क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम भी मुझे पसंद नहीं करती है ना? ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कितना फेक है, हम सिर्फ एक दूसरे से पहली बार मिले और तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो? बिसाइड मैंने कुछ हॉस्पिटलिटी शो करी थी जब हम मिले थे। तुम्हें प्रटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो। तुम इतनी अगली लग रही हो जब तुम प्रटेंड करती हो। एंटोनियो बहुत एक्यूट है, नो वंडर उसने मैजिक फॉरेस्ट में इतने सारे सालों में ट्रेनिंग करी है। बट ये फर्स्ट इंसान है जो मुझे मारना नहीं चाहता जब हम मिले हैं। क्या प्रटेंड कर रहा है और या फिर इसे नहीं पता? भूल जाओ, अगर मैं इसके एडवांटेज ले पाऊँ तो मैं उसे गायब कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे फादर का प्यार, मेरे को सारा प्यार और फादर और सर्वाइव लंबा कर पाऊँगी मैं। देयरफॉर एंजी ना बहुत ज़्यादा एंटोनियो को लाइफ में विजिट करने लगी। एंटोनियो चलिए एक साथ खाते हैं। नो गेट आउट एंटोनियो, मैंने डिज़र्ट बनाया तुम्हारे लिए, प्लीज़ ट्राई करो। नो इसे लेकर जाओ। वाह एंटोनियो तुम कितने कूल हो, शट अप और जाओ। तुमने मुझसे बोला था जाने के लिए, तुम इतने कोल्ड ब्रदर हो। हम एक साथ इतने लंबे समय से रहे हैं बट ये अभी भी मुझे ऐसे ट्रीट करता है। ऐसा लगता है हम क्लोज नहीं हो सकते लविंग ब्रदर और सिस्टर की तरह। तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी कहो और यहाँ से जाओ। मुझे इसे मारना होगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतने वीक हो गए इतने सारे दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद। तुमने मैजिक फॉरेस्ट में ट्रेन करा था ना इतने लंबे समय तक। अच्छा ये तो सिर्फ ऐसे ही गया। मैं इतना वीक हूँ, फादर नोटिस कर लेंगे अगर मैंने इसे मार दिया पैरस में। और इसके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, मुझे कुछ मदद चाहिए। यस मैं तुमसे स्ट्रॉन्गर हूँ एंटोनियो। मिस्टर बाई ने कहा था कि मेरे पास बेस्ट मैजिक टैलेंट थे ऑफ ए एम्पायर में। ओह वो तो सिर्फ तुम्हारे ऐसी तारीफ कर रहा था। एंटोनियो अगर तुम्हें बिलीव नहीं करते तो तुम मुझे फॉरेस्ट ले जा सकते हो और फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगी। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? ओके हम वहाँ 3 दिन के अंदर जाएंगे, 3 दिनों के अंदर। अपना प्रॉमिस मत तोड़ना एंटोनियो। एनजी और एंटोनियो मैजिक फॉरेस्ट जाएंगे 3 दिनों के अंदर। जेनिफर तुम्हें भी जाना चाहिए। यस मैं प्रोटेक्ट करूँगा प्रिंस और प्रिंसेस को अच्छी तरह से, बट मैजिक फॉरेस्ट बहुत डेंजर है। अगर प्रिंसेस एंजी को अटैक हुआ तो मुझे सच में उसे प्रोटेक्ट करना है। मुझे नहीं पता योर मेस्टी, आप हेजिटेट कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। यस यो आइनस यहाँ ये एंट्रेंस है मैजिक फॉरेस्ट का। मिस्टर जन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ भेजने के लिए, आप वेलकम हो यो आइनस। बट क्या आप सच में चाहते हैं कि आपको कोई फॉलो ना करें? जो प्रिंसेस इतनी प्रोलाइट है, नो वंडर किंग इसे इतना प्यार करता है। नो थैंक यू एंटोनियो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। एंटोनियो तुम यहाँ हो, तुम्हें प्रिंसेस एंजी को अब से प्रोटेक्ट करना होगा। प्रिंस एंटोनियो हम ये आउटसाइड फॉरेस्ट के यहाँ पे रहेंगे, आपको यहाँ रहना होगा और ज़्यादा अंदर ना जाना। मैं समझ गया, चलो चलते हैं। ओके एंटोनियो आउटर एज अगर ऐसा है तो तुम्हें प्रिंसेस और प्रिंस को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। यस ये मैजिक फॉरेस्ट में ये सिर्फ 5 की है और इसने इतना अच्छा मैजिक करा है, ऐसे लगता है इसके पास सच में गिफ्ट है मैजिक के लिए। एंटोनियो क्या है तुमने देखा, मेरे पास ग्रेट गिफ्ट है ना मैजिक के। भूल जाओ तुम इतने वीक हो, ये कोई भी फन नहीं है मेरी स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाने के लिए। आखिरकार
तुम ये करना कल चाहती हो? ये मेरा फर्स्ट टाइम है पैलेस से बाहर आना। मैं सिर्फ एक प्रेजेंट लेना चाहती हूँ फादर के लिए। वाओ क्या ब्यूटीफुल फ्लावर है, फादर बहुत खुश होंगे अगर मैं उन्हें भेजूँगी तो। हे ऐसे मत भागो। हे ऐसा लगता है ये अंदर है फॉरेस्ट का। क्या तुम मरना चाहती हो? तुम क्यों भागी? एक 6-स्टार मैजिक पीस्ट यहाँ पे आउटर एज मैजिक फॉरेस्ट में क्यों 6-स्टार एक मैजिक बीस्ट आएगा? क्या ये टेरिटरी हमेशा सेंटर में नहीं होती सेंट्रल फॉरेस्ट में? एंटोनियो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। विंड ब्लेड एडिट तुम क्या कर रही हो? सॉरी एंटोनियो मैं कुछ ज़्यादा नर्वस थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये एक 6-स्टार मैजिक बीस्ट है, मैं इसका लंबे समय से फाइट नहीं कर सकता। जाओ और नाइट कमांडर से को बुला कर लाओ। ओके एंटोनियो मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास एक ग्रेट गिफ्ट है मैजिक के लिए। मैंने प्रैक्टिस करा था मैजिक कि मैं बेस्ट को बुला सकूं इतना हार्ड। ओके ये इतना लकी है, ये इतना सीरियसली इंजर्ड हो गया बट ये अभी भी जिंदा है। एक बार जब तुम मर जाओगे ना तो फादर सिर्फ मुझे ही प्यार करेंगे। मुझे माफ़ कर दो एंटोनियो। कमांडर ये जो आवाज़ थी ना वो बेस्ट की, वो यहाँ से आई थी। मैंने भी प्रिंस और प्रिंसेस को यहाँ देखा था और जो ये मैजिक बिस्ट की आवाज़ थी ना वो प्रिंस से कुछ लेना देना है। चलो वहाँ चलते हैं। एक 6-स्टार मैजिक बिस्ट क्या ये हमेशा अंदर नहीं रहता था फॉरेस्ट के? ये क्यों है वहाँ? देखो ऐसे लगता है प्रिंस और प्रिंसेस है। ये प्रिंसेस जल्दी करो और प्रिंस को और प्रिंसेस को वापस लेकर जाओ, डॉक्टर को भेजो। यस मैजिक बिस्ट को समन करना, इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है कि प्रिंसेस रेंजी इतनी जेंटल नहीं है जैसे लोग कहते हैं। मैं इसे अब खुद मिलना चाहता हूँ। जानता नहीं हूँ कि इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा जब ये मुझे देखेगी पैलेस में। पैंग क्या हुआ? हमने एक 6-स्टार मैजिक बीस्ट से मिले थे मैजिक फॉरेस्ट में और जो प्रिंस को सीरियसली इंजर्ड हुई और जबकि प्रिंसेस शॉक से बेहोश हो चुके हैं। क्या 6-स्टार मैजिक बीस्ट सेंटर में नहीं रहता फॉरेस्ट के? क्या वो वहाँ गए थे? जो प्रिंस और प्रिंसेस सिर्फ बाहर थे फॉरेस्ट के, वो अंदर नहीं गए थे? जबकि जो 6-स्टार मैजिक बिस्ट ना ऐसा लगता है वो अचानक से आ गया था। एंटोनियो मिस्टर जैंग एंटोनियो को जल्दी बचाओ। एंटोनियो फाइट कर एक जायंट मैजिक बिस्ट से, जाओ उसे बचाओ। चिंता मत करो योहाना, जो मैजिक बिस्ट है ना वो मर चुका है और जो प्रिंस है ना वो सेफ है। ग्रेट फादर वो फादर मुझे लगा था मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी, वो बहुत हॉरिबल था। ये अब ठीक है, एंटोनियो मुझे प्रोटेक्ट करा दो। इसीलिए मुझे चोट नहीं लगी फादर, आपको एंटोनियो को एक बिग रिवॉर्ड देना होगा। ओके तुम थक गई होगी, जाओ और अब सो जाओ। एक 6-स्टार बीस्ट जंगल के बाहर आ गया, इतना स्ट्रेंज है। मैं जाके फॉरेस्ट में देखता हूँ, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। यस एंटोनियो अभी तक क्यों नहीं जगा? जब प्रिंस है ना वो जल्दी जग जाएगा योहन्स, आप चिंता ना करें। मैं कैसे चिंता ना करूँ, इसे चोट लगी है मेरे वजह से। जो प्रिंस है ना वो जग गया, ये एक्चुअली इतनी जल्दी जग गया। तुम यहाँ पे कुछ और दिन बेड पे क्यों नहीं लेटे रहते? एंटोनियो तुम जग गए क्या? तुम्हें प्यास लग रही है क्या? तुम पानी पीना चाहते हो? योहन्स प्रिंसेस रहते हैं आपके बारे में इतना चिंता कर रही थी, वो आपका इतने दिनों से ध्यान रख रही है। नो थैंक्स, जाओ वापस और मुझे परेशान मत करो। ओके ऑल राइट एंटोनियो तुम्हें अच्छे से ठीक हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। योहन्स आप इतने कोल्ड हो प्रिंसेस एंजी की तरफ। बैंग इस समय मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी इसे मारने की। ये अपने गार्ड हैं, इसकी गार्ड ऑन है मेरे अगेंस्ट, मेरे को दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। संभाल के योहन्स, तुम कौन हो? तुम्हें पैलेस में पहले नहीं देखा? एक और असैसिन मुझे मारने आया है। मैं आपका फेथफुल फॉलोवर हूँ योहन्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। योहन्स आपने एक मैजिक बेस्ट को बुलाया और एंटोनियो को मारने की कोशिश करी मैजिक फॉरेस्ट में, मैंने सारा देख लिया है। क्या बेस्ट को समन करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। ए हैं ऐसे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, मैं आपकी मदद करता हूँ ताकि आप वो स्कैन को याद कर सकें। योहन्स क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अब डैम इसने कब रिकॉर्ड करा? मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढा था वहाँ। नो मैं इसे रिकॉर्डिंग स्टोन फादर को नहीं दिखवा सकती वरना मेरे जो एफर्ट थे ना वो पानी में मिल जाएंगे। वो ये मेरा मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ फादर का प्यार चाहती थी। प्लीज़ क्या आप प्लीज़ वो और फादर को नहीं देंगे?
मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कुछ भी, और आप जो चाहेंगे मुझसे कुछ भी। क्या परफेक्ट एक्टिंग है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमारी लिटिल प्रिंसेस इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस होगी। रियली योर हाइनेस, क्या आप मेरे लिए कुछ भी करेंगी? यस, जो भी तुम्हें चाहिए, पैसा, पावर, और अगर आपको ब्यूटीफुल वूमेन भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी। नो मैटर ये क्या चाहता है, पैसा, पावर या औरत, मैं प्रटेंड करूँगी इसे प्रॉमिस करने के लिए, और फिर इसे खाली जगह में बुलाऊँगी। और अगर ऐसा है, क्या आप प्लीज़ मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? ऑटोग्राफ? यस, इसे साइन करो। ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह लग रहा है, एक बार मैंने साइन कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वह इफेक्ट इमिजिएटली ले लेगा। नो वे, मैं इसे कभी साइन नहीं करूँगी। ओके, बट मेरे पास मेरा पेन नहीं है, क्या आप प्लीज़ मुझे फॉलो करेंगे मेरे रेस्टिंग प्लेस में? डोंट वरी, मेरे पास पेन है। तो मेरे पास कोई दूसरा आइडिया नहीं है इसे यहाँ से ले जाने के लिए। मैं इसे भाग नहीं सकती, अगर मैं भाग गई तो फादर को एविडेंस दे देगा, मुझे इसे यहीं मारना होगा। ओके, मुझे पेन दो। मुझे कहाँ साइन करना है, क्या आप प्लीज़ पॉइंट करेंगे? अभी शू प्रिंसेस, आप ये भी मरा नहीं है, मुझे इसे और अटैक देने देने चाहिए। इसने लोगों को मार दिया, जो प्रिंसेस ने किसी को मार दिया। नो, मैं इनको नहीं पकड़ पा रही, मेरे पास एबिलिटी नहीं है इन सबको सेम टाइम पे मारने की। हाँ, क्या मैं अभी लॉन्ड्री नहीं कर रही थी? मैं यहाँ क्यों हूँ? इतना स्ट्रेंज है, मैं यहाँ क्या कर रहा था? यो हाना, चिंता मत करो, मैंने उनकी मेमोरी मिटा दी है, ये भूल गए हैं इन्होंने जो अभी देखा था। तुमने ये क्यों करा? मुझे सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे ही सिर्फ होना चाहिए जो आपका सीक्रेट जाने। तुमने मेरी मदद करी, बट मैं इसे साइन नहीं करूँगी, तुम दूसरी रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये सब कुछ ठीक है, आपने मेरे फेस पे मेरे छोड़ा है ना, यही काफ़ी है। छः, कितना स्ट्रेंज है, ये बहुत स्ट्रेंज है। आखिरकार ये है कौन? इसका जो मैजिक है मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसने डॉज नहीं करा जब मैंने इसे अटैक करा। अगर ऐसा है, क्या प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड स्टोन दोगे? जो रिकॉर्ड स्टोन है गायब हो गया, आप शांति से रह सकती हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं। गुड नाइट, हम दोबारा जल्दी मिलेंगे योर हाइनेस अगले दिन। योर मैजेस्टी, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ क्यूट प्रिंसेस को चाहता हूँ। डैड, मैं आ रही हूँ। ये यहाँ क्यों है? क्या फादर ने रिकॉर्ड स्टोन देख लिया? यहाँ आओ योर हाइनेस, मुझे अलाउ करो मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं यूली हूँ, मैं पॉप हूँ ऑफिस चर्च का। पॉप, हेलो एवरीवन, ये वाला ट्रांसलेशन यहीं तक। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यार प्यार कमेंट करें ना भूलना। थैंक यू।